हमने कर लिया था फ्लूइड स्टैटिक्स पार्ट ए, जिसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उन सब चीजों के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया। पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ एक बार मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ बस ये बोलता है कि जैसे जैसे हम नीचे किसी फ्लूड के अंदर डेप्थ में जाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पेसिफिक वेट, दैट इज ओमेगा रो जी, है ना। और द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग विद दिस रिस्पेक्ट। ओके, और क्या पढ़ा हमने? पास्कल्स लॉ ये पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है, हमने ये पढ़ा। जिसका ये मतलब था, जैसे ये मान लो फ्लूड है, ये पूरा फ्लूड है, ठीक। यहाँ एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, सरफेस एक सिंगल लाइन बनाते हैं, एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसी डेप्थ पे एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसी डेप्थ पे एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक। और इसी डेप्थ पे, ठीक है, तो इस सरफेस पे ऐसे लगेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी, इस सरफेस पे ऐसे लगेगा फॉर इंस्टेंस। अगर हम ये समझ लें कि सरफेस दोनों तरफ से, मान लो ऐसे मान लिया, ठीक है, अब ज्यादा क्लियर समझ में आए, तो उस सरफेस पे इस तरह लगेगा लेकिन इस सरफेस पे इस तरफ लगेगा, ठीक है। मान लो इसको भी हमने एक मान लिया, तो इस तरह से लगेगा ये सरफेस, मान लीजिए, इस सरफेस पे इधर से लगेगा लेकिन इस सरफेस पे इधर से लगेगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक, दिस इज पास्कल्स लॉ कि किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में फोर्स, हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है, और जैसा सरफेस मिलेगा उस सरफेस पर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वो अकॉर्डिंगली हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट किया, इसमें हम क्या करेंगे? अब प्रेशर तो मिल गया हमें, अब हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, देखो हमें प्रेशर तो मिल चुका है, अभी क्यों बेटा थोड़ी देर देखते रहो, हमें प्रेशर मिल चुका है। नाउ वी हैव गॉट प्रेशर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, पी इज इक्वल टू रो जी एच, व्हाट इज द हाइट, और अभी हम एक पॉइंट के लिए ले रहे हैं, पॉइंट एरिया, मान लो पॉइंट सरफेस, पॉइंट सरफेस के लिए ले रहे हैं। बहुत अभी सिंपल सा केस लेते हैं, मान लो एक पॉइंट सरफेस है ना, पॉइंट सरफेस एरिया डी ए मान लिया, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा डीएफ क्या हो जाएगा? पी इंटू डी ए, तो डीएफ इज इक्वल टू पी, यानी कि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई डी ए। डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, देखो डायरेक्शन अब यही ना, डायरेक्शन यहां से देखो, इट्स नॉट अबाउट डायरेक्शन, इट्स जस्ट अबाउट दी वैल्यू। सो डीएफ इज इक्वल टू दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, और ये मे बी यू कैन राइट डब्ल्यू टू दिस, डब्ल्यू डी ए इंटू एच, ठीक है। एच मीन्स हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, दिस इज द नोटेशन फॉर फ्री सरफेस, मे बी मैं शायद पिछले लेक्चर में ना बताया हूँ, तो दिस इज द नोटेशन फॉर फ्री सरफेस। अच्छा ये हो गया आपका, दिस इज योर फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया, ठीक। अब इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए, थोड़ा सा इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के लिए दिस एच एंड एच एंड इट्स दिस इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट इज हाइट, वी विल से दैट दिस इज लोकेशन ऑफ फ्री सरफेस, तो हम लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू डी ए, एच की जगह लिख दिया एक्स बार, जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा। एलिमेंटल एरिया के लिए तो दोनों सेम है,
अब मान लो एक बड़ा सा एरिया ऐसे है, तो कौन सी हाइट लेंगे यहाँ की? यहाँ लिख लेते हैं, एक बड़ी सी हाइट ले ली, मान लो हमने ऐसे हाइट ले ली, मतलब सरफेस लिया, थोड़ा बड़ा है सरफेस। अब बताइए कौन सा लें? यहाँ देखें तो दिस इज समथिंग एक्स वन, इसको देखें तो दिस इज एक्स टू। एच डिनोट्स द वर्टिकल हाइट ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, बट हियर देयर आर मेनी पॉइंट्स, हमें एक पॉइंट चाहिए ना, तो एक पॉइंट कौन है? दैट इज एक्स बार, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉट एक्स बार, दैट इज जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस एक्स बार इज द वर्टिकल लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दिस केस यू सी दैट एच और एक्स बार बराबर है, तो इसलिए हमने एच को डायरेक्टली, हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे, हम बस एक फील दे रहे हैं, फील, जस्ट अबाउट अ फील, नथिंग मच। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कुछ। तो अगर आप इसको समझ गए तो अब मैं आपको एक पूरा पिक्चर बताता हूँ, अगर आप इसको थोड़ा आइडिया लग गया आपको कि क्या चीज़ है। तो देखिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कुछ आपको नोट करने जैसा लगे, तो है नोट करने जैसा, नो डाउट। ये बात आप समझ गए, समझ गए ना? तो देखिए तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस? तो मैं एक यहां पे एक पूरा फ्लूइड जोन बना देता हूं, उसमें पानी दिखाऊं नहीं तो आप समझ जाना पानी है, बट चलो दिखाई दूंगा उसमें क्या है। सो दिस इज योर फ्री सरफेस, दिस इज योर वॉटर, मैं पूरा बना रहा हूं ताकि एक ही फिगर में आपको सब कुछ दिख जाए, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा चाहिए थी, वर्टिकल इतनी नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब हम एक प्लेन सरफेस यहां रखते हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस, ठीक है, थिकनेस इसमें इग्नोर करना, इसमें थिकनेस इग्नोर करना आपको, ठीक। अब इस प्लेन सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगी, ठीक है, तो इसके लिए द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्स बार, लोकेशन और द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस, सो व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, ध्यान से देखना, ऑफ द सरफेस फ्रॉम ऑफ द सॉलिड सरफेस लिख सकते हैं मे बी, ऑफ द ऑफ सॉलिड सरफेस, ये इसलिए बता रहा हूं, मैंने बताया ना कि दो ऊपर से भी हो सकता है नीचे से हो सकता है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डायरेक्शंस कि कहां से क्या होगा, हम चलो इसको एक ही सरफेस मान रहे हैं, बस टॉप टॉप ले लो, कोई एक ले लो या जो भी ले लो, दोनों सरफेस बिल्कुल अगल बगल हैं तो ठीक है, फोर्स सेम लगने वाला है तो उसको इग्नोर करना है ना, जस्ट एक्स बार इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, हमने इसको थिकनेस को ऑलमोस्ट जीरो माना है एंड दैट इज व्हाई ये एक्स बार अलग अलग नहीं है। चलिए सो इन द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस ऑन प्लेन सरफेस, अगर इफ नहीं सरफेस चाहे जैसे रखा हो, whatever be the orientation of
सरफेस, जो भी ओरिएंटेशन हो, डजंट मैटर, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F विल बी इक्वल टू W A X बार और रो G A X बार। यानी हमें ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि X बार कहाँ है। ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, अभी मैं और फिगर बनाऊंगा, बनाता हूँ, बताता हूँ आपको। दिस इज योर ओमेगा ए एक्स बार। तो एक और फिगर बनाते हैं, तो जनरलाइज फिगर बना देता हूँ इस बार, ठीक। This is a generalized figure. I'm just trying to create, but मेरा black pen मुझे धोखा दे रहा है। ऐसी expectations तो नहीं थी मुझे, but ये दे रहा है, कोई बात नहीं। This is your random surface. अब इस surface के लिए height अलग अलग है, इस position पे there is a different height. That is why we did not use h. तो इसकी center of gravity मान लिया यहाँ है। This is your center of gravity, ठीक। इस center of gravity के लिए हम इसको देखते हैं, अगर ये वाला काला काम कर जाए तो, इस center of gravity के लिए you can see that we can say that this is x bar. भले ये surface यहां से यहां तक फैला हुआ है, we just need x bar, ठीक है, x बार ऑफ द सरफेस। याद रखना एक बात, ये जो आपके सामने ऐसे दिख रहा है ना, दिस इज नॉट सरफेस, सरफेस डेप्थ में है। कहीं ऐसा सोचो कि यही सरफेस है, सरफेस कहां है, हम सरफेस ऐसे रखा हुआ ऐसे, और हम यहां से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। पानी का जो भी हम लोग वो ओमेगा ए डब्ल्यू ए एक्स बार लग रहा ना, वो इस पे नहीं लग रहा है, या इस पे नहीं लग रहा है, ना 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 ना, इस पे लग रहा है। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इस पे लग रहा है या इस पे लग रहा है। दिस थिकनेस इज जीरो, इसका कोई मतलब नहीं, बस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ओ बड़ी अच्छी डिजाइन बन गई यहाँ तो, कितनी अच्छी डिजाइन बन गई ना, वाह वाह वाह, ठीक है। तो ये ऐसे रखा हुआ और इस सरफेस पे या इस सरफेस पे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस थिकनेस इज जीरो, वो ध्यान रखना है आपको। तो किस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि यहां है, यानी कि मान लो यहां यहां दिख रहा है आपको, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो हमें यहां से देखने पे यहां कहीं दिख रही है। व्यूज की बात है, थोड़ी व्यूज की, ठीक है, यूट्यूब वाले व्यूज की नहीं भाई, मतलब ऐसे देखने वाले व्यू की। फिर और सिखा लिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये आपका हो गया x बार, ठीक है, वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। उस पे भी जो हमारा फोर्स होगा दिस यही होगा, तो फर्स्ट केस के लिए भी यही होगा और सेकेंड केस के लिए भी यही होगा। दिस इज योर सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या मतलब, ये जनरलाइज्ड है, केस तो इसके बाद आएगा, दिस इज द मेन थिंग। एनीवेज, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे देखा जाए तो यही खत्म हो गया, बट एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, अच्छा अच्छा ये क्या है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब आप देखो इसके ऊपर ना हर पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, तो देखते हैं इस पे कुछ कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो देखिए इस जगह पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, मैं जस्ट एक जगह लेता हूं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, सो मैं मिटा दूंगा इसको बाद में। तो ए पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि ए की हाइट यहां से एच है और एक्स बार हम अभी एच यूज कर रहे हैं। डी में क्या होगा, रो जी एच, सी में क्या होगा, रो जी एच, और डी में क्या होगा, रो जी एच, ऑल आर
इक्वल, चलिए इक्वल है तो चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं एक वो बना देने के लिए, एक ग्राफ, ग्राफ नुमा जो यहाँ दिखाए, तो यानी इस सरफेस पे इतना फोर्स, इतनी ऊंचाई का, लेट्स से दिस हाइट इज रो जी एच, हाइट मतलब ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो दिस हाइट इज रो जी एच, मतलब इतनी हाइट ग्राफ में, इतनी हाइट रो जी एच में दिखा रही है। अच्छा जी चलिए इसमें देखते हैं, अगेन टेकिंग टू फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ए की हाइट ध्यान से देखिए, मैं यहां जानबूझ के ऐसे नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे मिटाना है बाद में ताकि अच्छे से मिटे, ए की हाइट इज लेट्स से एक्स एच वन, बी की हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस इज एच टू, सी की हाइट इज एच थ्री एंड डी की हाइट इज एच फोर। दिस टाइम ए बी सी एंड डी अगेन, सो दिस टाइम ए पे लगेगा आपका रो जी एच वन, टेढ़ा खड़ा होता हूं क्योंकि मुझे लगता है रो जी एच टू, रो जी एच थ्री एंड रो जी एच फोर। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए दैट पी डी इज ग्रेटर देन पी सी इज ग्रेटर देन पी डी एंड इज ग्रेटर देन पी ए, यहां पे इक्वल नहीं है। अगर यहां हम रिप्रेजेंट करें अगेन, अब मुझे ये मिटाना है ऑल दीज लाइन्स, दीज लाइन्स आर जस्ट नॉइज फॉर अस हियर, फॉर रेफरेंस दीज लाइन्स आर नॉट ऑफ आर यूज, ठीक है चलिए। सो अब हम करें, अब ए बी सी डी भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि वो भी हमारे काम का नहीं है, पर आपको तो पता है ना ए बी सी डी कहां था, तो लेट्स से ए पर जितना भी रो जी एच वन है दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट दैट इज शोन एंड दिस इज रो जी एच वन, पर डी पे क्या इतना ही बड़ा होगा, क्या डी पे इतना ही बड़ा होगा? नो, बिकॉज आप देखो ना डी पे तो इससे बड़ा है, डी पे इससे बड़ा है ना, तो डी पे मान लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि दूर है ना, हाइट इसकी ज्यादा है, लेट्स से दिस इज रो जी एच फोर, ठीक। तो वेरिएशन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन है ये, कहीं अगर टेढ़ी मेढ़ी दिखे तो उसको इग्नोर करना, दिस इज अ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। सो नाउ दिस इज योर वेरिएशन, वेरिएशन में फर्क है, फर्क है, फर्क है ना, वेरिएशन फर्क, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है इसी फर्क की वजह से, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, वहां कम लग रहा है प्रेशर, यहां प्रेशर ज्यादा लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऐसी जगह जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, इट इज ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, अब अगर ये एट एवरी पॉइंट दिस इज डिफरेंट दैट मीन्स यहां कुछ और फोर्स है, यहां कुछ और, यहां बढ़ते बढ़ते फोर्स यहां बढ़ता जा रहा है, फोर्स इज इटसेल्फ चेंजिंग, हम बोल रहे हैं कि ये है, तो दिस इज टोटल फोर्स, फाइनल टोटल फोर्स ऑन दिस सर्फेस, ये कहीं लग भी तो रहा होगा, देखा जाए तो ये हर जगह अलग अलग लग रहा है, हर जगह लग रहा है, इसको एक जगह मतलब पॉइंट आउट क्या बोलते हैं, एक जगह उसको सेंटर्ड करेंगे ना, जैसे हम लोग वेट को करते हैं सेंटर्ड, वेट तो हर जगह है बट एक जगह सेंटर्ड करते हैं, तो यहां जिस जगह सेंटर्ड करते हैं उस फोर्स को, दैट प्लेस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर
कौन सी लोकेशन है, वेयर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज सपोज्ड टू एक्ट। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, लग रहा है। फाइन, तो अब यहां से आपको क्या लग रहा है, देखो यहां पे देखते हैं, हर जगह बराबर है, तो हर जगह बराबर है तो कहीं यहाँ कहीं यहीं कहीं लग रहा है, मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है और कुछ नहीं, तो क्या इसमें ज्यादा विक्रमबाजी कुछ बोल नहीं सकते। तो इसमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं पे सेंटर ऑफ प्रेशर भी है एट द सेम प्लेस। सो फॉर दिस केस वन, फॉर दिस वन सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट को हम दिखाते हैं किससे, नाउ द सेंटर ऑफ प्रेशर, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड बाई एक्स सॉरी एच और एच बार, समटाइम्स एच बार, दैट इज द नोटेशन, मे बी एच बार भी लिख सकते हैं, एच बार ही लिख देते हैं, एच ही लिख देते। ओ लाइट चली गई क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, बढ़ जाए आगे, बढ़ ही जाते हैं, उम्मीद है कि जल्दी लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो दिस एच इज इक्वल टू एक्स बार, इन द फर्स्ट केस दिस एच इज इक्वल टू एक्स बार, व्हाट इज एच, एच इज हाइट ऑफ, एच इज एच इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट। सो फर्स्ट केस में तो इट इज इक्वल टू एक्स बार, बट वॉट इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस इट इज वेरी क्लियर, इफ यू लाइक थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड केस में भैया देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, लेकिन जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, देखो इधर कम प्रेशर है इधर ज्यादा प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं ये राइट साइड शिफ्टेड है, तो इट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर एट दिस लोकेशन, समवेयर एट दिस लोकेशन, यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा, पता नहीं कौन सी जगह, बस यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा। This is your H. ठीक, आई बात समझ में, अब ये तो आ गया आपको समझ में कि H यहां क्या एक्ट कर रहा होगा, तो H निकालेंगे कैसे, तो H निकालेंगे कैसे वो हम लोग यहां पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, दैट मीन्स कि डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, डिस्कशन तो करने वाले बट नॉट एक्चुअली द डेरिवेशन। सो वट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू इज in the second case or in general, second case that is in general, so it's a general formula, h is equal to x bar plus, kyunki plus kyunki wo niche hi aayega, obvious si baat hai wo x bar se niche hi jayega, upar nahi ja sakta, aap sochoge agar surface ko aise palat de to imagine karo kya hoga, aap to तेज आदमी, इमेजिन करो। सो इन जनरल एच इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स बार, लो एक नई चीज आ गई यहां पे, दैट इज थीटा एंड ए भी आ गया, सो ए तो एरिया ऑफ द सरफेस, ए इज एरिया ऑफ द सरफेस, ए तो कुछ नहीं है, ए इज area of surface, और ig क्या है, ig is moment of inertia
फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस अबाउट, फ्रॉम क्या होता है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, कौन सी एक्सिस? तो ये वाली एक्सिस, ये वाली ऐसे। तो मैं इसको एक बार इसका व्यू भी बना देता हूँ आपको, ये इसका व्यू बनाता हूँ मैं। व्यू का मतलब इसका टॉप कैसे दिखेगा, इसको टॉप दिखेगा आपको कुछ इस तरह से। तो जो सरफेस हमारा है दैट सरफेस इज लाइक दिस, सरफेस इज काइंड ऑफ लाइक दिस, मतलब अच्छा से है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टेढ़ा समझा दिया मैंने, से टेढ़ा सा है ठीक। तो दिस इज योर सरफेस, इस सरफेस की एल ये है, दिस इज योर विड्थ, ठीक है ना, दिस इज योर सरफेस ये इस व्यू में, दूसरे व्यू में। अरे बाप रे गर्मी होने लगी भाई, ठीक है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है ना वो ये वाली एक्सिस, यानी कि इसमें देखें तो ऐसे ये वाली जो एक्सिस है दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस, इसको आप देखोगे तो वो ये वाली एक्सिस होगी, ऐसे ऐसे होगी एक्सिस। तो दिस इज योर एक्सिस जिसके अबाउट हमें जी लेना है, मतलब अगर ये सरफेस देखो तो ऐसे नहीं लेना है ना, ऐसे लेना है, ये वाली से लेना है। चलिए एनीवेज नेक्स्ट, अब बचता थीटा। थीटा कौन है भैया? तो थीटा इज एंगल मेड बाय सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस। अच्छा जी, ये तो कहीं दिखाया नहीं, हाँ तो आप दिखा दूंगा उसमें, चलो देखो। ये है आपका मान लेते हैं, दिस इज फ्री सरफेस एंड दिस इज एंगल थीटा, समझ में? दिस इज योर एंगल थीटा। हमारे में हम लोग सिंपल ऐसा नहीं, मतलब आप सोचो क्या, अब मान लो हम मान लो सरफेस ही ऐसा दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ऐसा दिखेगा ही नहीं हमारे, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले ना उसमें ऐसा दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेन सरफेस का ही देखने वाले हैं। लाइट को क्या हो गया भाई, हालत खराब हो गई, ठीक है। तो दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। थीटा, अब देखो यहाँ पे थीटा जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, देखो एच इक्वल टू एक्स बार आ गया जो कि केस नंबर वन था। और अगर थीटा 90 रख दोगे जो कि वर्टिकल सरफेस अगर है तो 90 रख दोगे आई जी इंटू वन, तो आई एक्स इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। तो ये सब कोई भारी भरकम चीजें नहीं है, बट याद रखना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम, एक्ट कहाँ करेगा वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करेगा वो यहाँ करेगा, और कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। Now this is your hydrostatic force, ये है वो F, और यहां कैसे एक्ट करेगा, ऐसे। This is your hydrostatic force, आ रही बात समझ में? उम्मीद है कि आ ही रही हो, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका hydrostatic forces on plane surfaces, ठीक है जी, okay।